15 किले दे, 14.5 किले ही पी गया। और छोरा ने कहा बाबू छोड़ दे ना, घनी अच्छी चीज ना है। और बूढ़ा ने कहा बेटे के गए ले जाना सर रंग ले रंग। बोला बाबू छोड़ दे या घनी अच्छी चीज ना है। निबला बेटे के गए ले जाना है। निबला जमाई लेकर जब जागा क्या मैं छोड़ देगा। हाँ 15 मांगे 14.5 की तो पी गया। मैं तो और भी गा दूंगा फिर अंधेरा हो सा थारा यो छूट जाएगा प्रोग्राम नहीं देख लिया। एक और हाँ भाई फिर सरपंच साहब कहे गौ माता की सुना दूं। हाँ गौ माता की सुना दूं भाई। एक रागनी के बाद फेरो सांद आ जाएगा भाई। ठीक से एक भजन है जो दादा लक्ष्मी चंद के भी जन्म से पहले मंत्री हो चाहे को संतरी हो चाहे किसी का मील सिट्टी मारती हो चाहे किसी की इतनी चोड़ी काक हो मात्र 50-60 साल पीछे 70 साल पीछे झांक के देख लेना हमारा आधार क्या मूल क्या। दादा परदादा ने क्या के सारा डेटा खेचा तान करके लाए हैं सजनो। या खराब माटी गऊ की क्यों से क्योंकि दो पैरों का ये जो इंसान है काले शराला इससे खतरनाक जीव धरती पर नहीं है। गौ माता घरा क्यों थी क्योंकि इस गौ माता का जाया खेत में कमा करता सारा कुनबा दगड़ दगड़ घरा खा करता न्यू गौ माता घरा थी। फूटे क्यों पाटे जिस दिन तक ट्रैक्टर आ गए ये गऊ के जाया की जरूरत ना रही उस दिन तक गऊ के खूंटे पाट के गऊ घर तक बाहर क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति होगी सजनो। सन 1902 में दादा लक्ष्मीचंद का जन्म सन 1903 में मानते हैं। सन 1902 में साला डेरी डाटा गौशाला हिसार की नीम इस भजन से रखी गई थी सजनो। पूरी जीवनी जन्म से आखिर तक एक एक शब्द फिल्म सी चला रखी। जन्म हुआ और आखिरी तई हर अवस्था का वर्णन क्या कहा। शादी में जोड़न लग गया ऐसा सुनो। पहली अवस्था में नगद कमाई करी कैसे करी
वो बैली बीच छोड़ दिया सभी थी बारात लोगो वो सब ते आगे तोड़ दिया वो घोड़े टट्टू पाछे छोटे वो सब का मुख मोड़ दिया घोड़े टट्टू पाछे छोटे वो सब का मुख मोड़ दिया ओए सब ते आगे दौड़े चलिया ना हाथ किसे ते छोड़ दिए सब ताक बैठ का पहुंचा फिर कुछ उम्र बढ़ी उसकी चाल मंदी पड़ गई यो दो पैरों वाला जीव इसका दिमाग देखना कहां जाता न्यूज़ हो चारे इव दे बेइज्जती करवा देगा बरात में इव दे पाछ रहन लाग जाएगा बरात में ले जाने का ना रहा वो रथ तो बेच दिया और फिर वो बेच के और के बनवाया और दूसरी अवस्था में उस तक के काम लेने लगा ओए पहल मत तो रथ का स्वाद पहल मत तो रथ का स्वाद खूब लिया देखबा खेती तो आगे ती बोई नाज का ढा पेरेगा नाज पात पूरा तपड़ वो भर भर गाड़ी लिया था लोग फिर मंडी की प्यारी होगी फिर मंडी की प्यारी होगी कदे गर्मी सर्दी थापी ना गार्या में दसी थी गाड़ी को तेरे कैसा कमर में लाठी मारी ओछी लंबी नाती ना खेत कमर में लाठी मारी ओछी लंबी नाती ना तू तो मारण ते भी नहीं रे टल्या जब दोनों पे माता के इस भजन पर खुश होकर 1100 रुपए शोर मान सम्मान और सजाई करते हैं बार बार धन्यवाद है सतेंद्र जी 500 रुपए शोर मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है सजनो ब्याह बराता में कमाई करी फिर मंडी के भाड़े करे और उम्र बढ़ गई
बचपन है तेरा सवेरा, जवानी शखर दुफेरा, बुढ़ापा शाम बावले। अरे पेड़ पौधों में भी आता इंसान की तो औकात क्या। अरे बुढ़ापे में पराक्रम थके ठाण में बैठा चाडे का टाइम, तड़के तड़के जमींदार के घराड़ी में यार फूस कर गई। अर जाके होगा खोद मारे अगले पाया पर वो जोर दे, मड़ा उठ फिर पड़ जा। वो फिर खोद मारो फिर अगले पाया पर जोर दे, मड़ा उठ फिर पड़ जा। घर आ गई नहीं बोली क्यों मारे गड़ का झाड़ कर रखा है, काम का नारा रहा। हर जमींदार उठ कर चल जाए सजनो, ये कहते हैं वो पड़ दे धरती मूटे गिरा आख्या में पानी आ रहा। अरु ना वो जमींदार आता दिखे एकदम प्रसन्नता की लहर दौड़ती। अरे वो चाल आवत है जो तुने सजा के बरातम ले जाया करता, वो चाल आवत है तेरे गड़ में घंटी बांधा करता, तनम गाड़ी जोड़ कर मंडी में ले जाया करता। और वो जब जमींदार दोहरा है वो उसके दोहरे बैठ गया, उसके सर पर था हाथ फेरा, वो बूढ़ा बैल जो उसका आजीवन मित्र था, सारी उम्र उसके साथ गुजारी, उसने उस जमींदार के खोए पर मुंह टेक दिया। और जमींदार के खोए पर मुंह टेक कर उसके कान ने चाटे, और वो अपने मन का भाव देखा नहीं बोले, अरे जितना मेरे में पराक्रम था, जितनी ताकत इस शरीर में थी, मैंने भाई सारी उम्र तेरा काम कर दिया, मेरे पराक्रम थक गए, मेरे बस का काम नहीं रहा। अरे भाई घने तो घना दो चार महीने के मेरे सांस बाकी है, मैं घना नहीं से दूंगा। ऐ सजनो उड़े तो घर न गया जमींदार, नहीं बोले के करे, नहीं बोले खर्च खर्च के करोगे, सारा कुणबा आ गया जाडे का दो फराया तले मुसल गा हाले। और न बार बगड़ में लिया आए सिंगा का तेल लाया, खवेरा फेरा घंटी बांधी। और वो बैल नहीं सोचा जवानी में तो शंगार ठीक था, आज जो बुढ़ापे में शंगार करया था इसमें बलायर नहीं है। और लेकर रस्सा पकड़ कर जमींदार चलिया, अरे जिस ठाण में पैदा हुआ था उस ठाण से विदाई थी उस बूढ़े बैल की, और आग दे लिया मैं अगले पहाड़ आ दिए, गात करड़ा कर लिया। जमींदार खेचे वो उड़े खेचा जा, गजनार खेचे उड़े खेचा जा, छोरे तरुक्का मारा और छोरे नागा जी साया कड़मा घेड़ा दिया, वो देड़ कुदा दिया, फिर भी रस्सा छुटा गया। और उस घर की तरफ देख कर डकरा वो लोगो तीसरे नंबर पे क्या कहानी है। हेलो हेलो पासे विकास पास हो रिया जी का, हमारे गांव खरावड़ के इस दादा चमनी सिंह के मंदिर में पहुंचने पर हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है। तालियों से स्वागत। सोता हो गया कैम दे का चाल पड़िया आज। अरे कपिल लिया होने के भाई आज सजनो अंग्रेजों के राज में भी इतना जुलम नहीं था जितना कसाईवाड़ा आजाद हिंदुस्तान में। उस टाइम पे भी सारे भारत में एक बुचड़ खाना था जड़े पशु काटे जा करते, कड़े छोड़ का चाल यार उड़े ताई पशुओं ने चुप कर ले गए, बैल ने चुप कर ले गए, क्या कहानी बनी। दबे का करोड़ा ना कर दे सारे दांत तोड़ दिए, खोरा खा कर के करिया करे। ओ ए 17-18 मोल कहे, ओ 17-18 मोल कहे, 17-18 मोल कहे, वो बेच दिया द्वारा में, चारों तरफ पाल देखे मडो बदिया मजधार, शाम दे दूं सारा में, और दे रुपये पापी, शाम दे दूं सारा में। लोग बैल की ते सुनी को ना, बैल की ते सुनी को ना, लंबी सड़क छेड़ दिया, स्टेशन ऊपर गाड़ी आ गई, वो हंगा करके छेड़ दिया, बाजी रेल चली, वो चौक से डब्बा फेर दिया, बाजी रेल चली।
चंदू लाल ने भी हाथ मल्या जब बंबई कतने बोल श्री गौ माता की जय।